राम सबके हैं और सब राम के हैं। राम मंदिर ने भारत का नया सांस्कृतिक प्रतीक अब बनाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस अवसर को किस ढंग से देख रहा है, आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर के साथ खास बातचीत, चलिए दिखाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की उल्टी गिनतियां शुरू हो गई। अब महज कुछ चंद घंटे बाकी हैं जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, यानी कि प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमारे साथ हैं संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर जी। सुनील जी, अब वो समय आ गया है जिसका देश ही नहीं पूरी दुनिया को इंतजार है, लेकिन संघ की भूमिका काफ़ी बड़ी रही है इसमें, तो किस तरह से संघ ने काम किया, किस तरह से रणनीति बनाई, इस पर मैं जानना चाहता हूँ। संघ ने कोई रणनीति नहीं बनाई, ये तो लोक भावना का विषय है और भारत के स्वाभिमान का, हिंदुओं के धर्म और संस्कृति की पहचान का विषय था, और इसलिए संघर्ष तो बहुत 500 वर्षों से चल रहा था। और इस संघर्ष को निश्चित रूप से, इस संघर्ष को जब लोगों ने, जब समय स्वाधीनता के बाद और ज़्यादा इसको गति मिली, और निश्चित रूप से फिर उस समाज की जो इच्छा थी उसमें स्वयंसेवकों ने, संघ ने ज़रूर अपना योगदान दिया, और सारे समाज के साथ हम लोग, हमारे स्वयंसेवक खड़े रहे। और हमें खुशी है कि निश्चित रूप से सारे हिंदू समाज के सहयोग से, सहभाग से आज ये प्राण प्रतिष्ठा का एक शुभ अवसर आया है, और बहुत ही आनंद है सभी लोगों को। और ये न्यायालय के द्वारा सारे पक्ष सुनने के बाद ये निर्णय आया है, ये उसमें और अच्छी बात है। और इसलिए हम लोग, हमारी इच्छा यही है कि पूरा समाज जो है ये भारत का उत्सव है। सुनील, कोशिशें तो काफ़ी समय से चल रही थी, आज़ादी से पहले भी चली, आज़ादी के काफ़ी बाद भी चली, लेकिन जो साधु संतों को, सारे संगठनों को एक साथ लाने का काम अगर सबसे पहले किया, जो बताया जाता है संघ के प्रचारक थे महेश नारायण जी, उन्होंने किया। अगर वो शुरुआत नहीं करते तो कानूनी शक्ल ले ही नहीं पाता, ना इस तरह का हल निकलता। नहीं, राम तो सबके राम है, और इसलिए राम, भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर मंदिर, भव्य मंदिर बनना चाहिए, इस ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर सबकी सहमति थी। इसलिए निश्चित रूप से जब भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता जब भी सबके पास गए, और जो भी संघर्ष समिति बनी थी वो सारे लोग सबके पास गए, तो सहज और स्वाभाविक रूप से, क्योंकि राम, भगवान श्री राम ऐसे हैं, वो यूनिफाइंग फैक्टर है, सबको जोड़ने वाले, तो लगातार सारे लोग एक साथ जुड़ते चले गए, और उसी का परिणाम हुआ कि ये संघर्ष जो है वो सभी तरीके से, मतलब, आगे बढ़ता चला गया और आज ये पवित्र क्षण आया है। आज भी वास्तु पूजा कैंपस में चल रही है, जो राम जन्मभूमि परिसर है, तो उसमें जो ब्राह्मण हैं, जो विद्वान हैं, पंडित हैं, क्या एक ही बिरादरी के हैं? क्योंकि आरोप भी लग रहा है कि जो बात हिंदू समाज की करते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देता। नहीं, ये पूरा ही जो कार्यक्रम हो रहा है तो इसमें तीर्थ क्षेत्र जो है उन्होंने ये बात बहुत अच्छे से की है, और कि सभी प्रकार के समाज के सभी लोगों को उन्होंने यहाँ निमंत्रित किया है, और निमंत्रित करते समय भी ये ध्यान रखा है विशेषकर कि जितने भी मत संप्रदाय सभी लोग यहाँ पर आए और सभी लोग इसमें सहभागी हो हर तरह से, तो ये विशेषकर ध्यान रखा गया है। और जिस तरीके से आप पूरे देश में उत्साह देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि हिंदू समाज सारे भेदभाव भूल कर, जितने भी प्रकार के, कौन कहाँ से आया, कहाँ रहता है, कौन कहाँ से आता है, ये सब भूल कर सब लोग एक आए हैं, तो ये हिंदू समाज की एकता का, भारत की एकता का एक उत्सव है। जन जन में, मन मन में, कण कण में राम सीताराम। आप सभी को अयोध्या से, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला, और मेरे पीछे राम का दरबार सजकर तैयार हो चुका है। राम का आंगन तैयार हुआ तो राम का द्वार भी किस तरीके से तैयार हुआ, जरा किशन मेरे सहयोगी दिखाएंगे। सुबह से मैं यहां पर बनी हुई हूं और सुबह से मैं देख रही हूं किस तरीके से बहुत तेजी से काम किया गया, जरा वो दिखाइए किशन। ऊपर जो मैं आपको हमेशा चौपाई पढ़कर सुनाती थी, जब कौशल्या माँ ने ये गाया था, जब राम का जन्म होता है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। और यही है इसका मतलब कि जब राम प्रकट हुए हैं तब गाया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर ये द्वार पर लिखा गया। बहुत खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत ये पूरा गेट लग रहा है। ये है गेट नंबर 11, ये है गेट नंबर 11,
राम मंदिर का। और देखिए एक एक करके सुरक्षा भी अब यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, एसपी जी की 3 से 4 गाड़ियां अंदर गई ही हैं और एक एक करके, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ज्यादा समय नहीं बचा है, 2 दिन का समय शेष रह गया है, ऐसे में सुरक्षा भी चाक चौबंद होनी चाहिए, द्वार पूरा सजाना चाहिए। एक बार फिर से दिखा दीजिए किशन पूरा पैन करके, ये जो आप देख रहे हैं रामलला की देखिए पोर्ट्रेट लगाया गया है, ओम बनाया गया है, धनुष बनाया गया है, जय श्री राम लिखा गया है, जो वीवीआईपी एंट्री होने वाली है वो यहीं से होगी। और एक और देखिए ये बनाकर तैयार किया जा रहा है, किशन ये भी दिखाइए जरा, ये यहाँ पर थोड़ा सा आप इधर आइए, यहाँ दिखा पाएंगे आप, ये भी देखिए लिखकर तैयार हो चुका है, ये इसलिए ताकि जब वीवीआईपी आए, क्योंकि 100 चार्टर्ड प्लेन कम से कम आने हैं, बड़े बड़े वीवीआईपी यहाँ पर आने हैं, सभी यहाँ पर आकर वो देख पाए, वो अनुभूति कर पाए कि छोटे से लला, छोटे से हमारे राम, उनका प्राकट्य है ये। मोनिका का रुख कर लेते हैं, मोनिका आप लता मंगेशकर चौक पर हैं, मैं देख रही हूँ वहां पर जो जो प्रस्तुति देख पा रहा है वो सब वहां पर जमावड़ा लगता है, सुरों से सजी हुई महफिल वहां सजती है। जय सिया राम, न्यूज 18 इंडिया के तमाम दर्शकों को एक बार जय सिया राम बोल देते हैं। मैं वहां विकास और विरासत तो अयोध्या में नजर ही आ रही है, लेकिन राम लेके आप किस तरीके से अयोध्या में नजर आ रहे हैं, एक तरफ यहाँ पर जलाभिषेक आरती यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी की जा रही है, क्यों कर रहे हैं? प्रभु श्री राम मेरे सपने में आए थे 9 तारीख को मध्य रात्रि में, और उन्होंने कहा मैं साक्षात मोदी जी योगी जी के स्वरूप में इस धरती पे विराजमान हूँ, और उन्होंने ये भी कहा कि 2 बार देश की जनता ने प्रधान सेवक के रूप में मोदी जी को चुना, 3री बार मेरी इच्छा है कि वो फिर से प्रधानमंत्री बने और देश का मान सम्मान पूरे विश्व में। अच्छा अयोध्या के रंग बदले हैं क्या? ये अयोध्या के रंग बदले हैं क्या? पूरा बदल चुका है, हमारा अयोध्या स्वर्ग की धारा बन चुकी है, और अगर कोई बोले कि अयोध्या नहीं बदला है तो उसके मुंह पे थप्पड़ मारा जाए, क्योंकि अयोध्या हम बिहार से आए हुए हैं, हम बिहार में रहते हैं, मेरा घर है, लेकिन वहाँ का साफ सफाइया इतना अच्छा नहीं है। अयोध्या की साफ सफाई अच्छी है? नहीं नहीं, वहाँ बिहार में अच्छा नहीं है। अयोध्या हम आए हैं सबसे पहले हैं, ये हम देख रहे हैं इतना साफ सफाइया है, इतना अच्छा यहाँ पर व्यवस्था हुआ है कि हद से ज्यादा, हम तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बाबा जी बाइक पर यहाँ पर आए, बाबा जी कहाँ से आए आप? जय जय श्री राम। अयोध्या जी का आमंत्रण पूरे भारत में 3 साल 1,00,000 किलोमीटर करके अयोध्या जी आए, हम भूमि पूजन में साक्षी हुए थे। कैसा लग रहा है आपको अयोध्या? बैकुंठ जैसा हमको लग रहा है कि बैकुंठ में हम आ गए हैं, हमें हमारे कहने शब्द नहीं है, हमारा भाग्योदय हो गया, हमारा आधार मिल गया है, हमें हमारा घर मिल गया है, 500 साल की हमारी रात कटी है, बिल्कुल तपस्या जो है 500 सालों का इंतजार खत्म हो गया। हमको हमारा जन्म अयोध्या में हुआ है, हम अयोध्या में हमारा जन्म हुआ है, हमारा सौभाग्य है योगी मोदी जैसा हमें राजा मिला, कुछ भी करके खा लेंगे, लेकिन ये आस्था का सज्जन सैलाब है, हर कोई इसमें डुबकी लगाना चाहता है, ये इन लोगों के भाव है, हम इन भाव को रोक नहीं सकते, ये भाव अनमोल है। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को ये भी जानकारी दे दें कि आज महानुष्ठान का 5वां दिन था और क्या कुछ खास रहा है सपना मेरी सहयोगी। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, लेकिन अब मैं उस शख्स से आपको मिलवाऊंगी, बस कुछ मिनट आप मुझे दीजिए, जिन्होंने पूरा आर्किटेक्ट तैयार किया है, जिनका बनाया हुआ आर्किटेक्ट आप देख रहे थे कि किस तरीके से भव्य दिव्य तरीके से बनकर तैयार हो गया है, उनसे हम बात करेंगे। आशीष हमारे साथ में है, बस एक मिनट। नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ, आपने जो देश को दिया है, गर्व है उसको, देश को आप पर, कैसा लग रहा है कि आप ही का बनाया हुआ था, जरा यहाँ जाइए, आप ही का प्रेम आएगा, कैसा लग रहा है कि बनकर तैयार हो गया, देश दुनिया के बड़े बड़े लोग आपको देखने आ रहे हैं? देखिए किसी भी आर्किटेक्ट के लिए उसका क्रिएशन जो है वो रियलिटी बन जाता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है, और जब अप्रिशिएट होता है तो उससे भी बड़ी बात होती है। आपने अभी तक तो उसको पेंसिल से या कैसे बनाया होगा, आज अभी अंदर से ही आ रहे हैं, देख कर आ रहे हैं, मैं तो आपकी आंखें भी गीली देख रही हूँ,
भाव आ रहा है कि मैं इतना सुंदर मैंने बना दिया राम का मंदिर? देखिए यही बोल रहा था कि सर, जैसे स्वामी जी आए उन्होंने अप्रिशिएट किया तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। मैं देख रही थी कि वो बड़ा आपको प्रेम दुलार दे रहे थे, आंखें क्यों नम नजर आ रही है मुझे? डेफिनेटली आशीर्वाद, इतने बड़े लोगों के आशीर्वाद मिलता है ऑब्वियसली नम हो जाएंगी आंखें कि अपना आपके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। थैंक यू। और मैं ये देख रही हूँ आप अंदर गए आपने, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हम अपना काम देखते हैं, मैं अपना काम देखती हूँ टीवी पर देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा मैं ये काम कर रही हूँ, आप अपना काम देख कर रहे हैं कैसा लग रहा है कि ये इतना खूबसूरत मैंने ही बनाया है? डेफिनेटली वो तो डेफिनेटली होता है हम लोगों को कि ये जब हम लोगों ने पेंसिल पे निकाला, जब उसको ड्राइंग किया, तब ये नहीं सोचा कि जब ये बनेगा एक्चुअल में ज़्यादा, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारा आर्किटेक्चर नहीं होता है, सारे लोगों की भावनाएं होती है, जो सारे लोगों की भावनाएं मिलती है तो एक अच्छा आर्किटेक्चर। एक मिनट दीजिएगा, मैं परिचय और आपको अच्छे से करा दूं। इनको ध्यान से देख लीजिए, ये न्यूज 18 इंडिया पर भी जब हमारा अभी एक शो हुआ था आए थे, इन्होंने बड़े अच्छे से बताया। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कल्पना से परे इस मंदिर को बनाकर रख दिया है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही बना है, देखकर आए हैं। आप 22 तारीख को यहाँ उपस्थित रहने वाले प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए ये थे आशीष जी, जो कि जिनके द्वारा ये पूरा बनाया गया था मंदिर का आर्किटेक्ट बनाया गया था, वो अंदर गए। अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा कि किस तरीके से वो वहां पर देखकर आए कि वहां कैसा काम किया गया, और किसी भी आर्किटेक्ट के लिए, आशीष जी के लिए, किसी भी आर्किटेक्ट के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उनका बनाया हुआ इतना खूबसूरत मंदिर बनकर तैयार हो जाए। मोनिका का रुख करते हैं। मोनिका जरा बताती रहिए, समझाती रहिए, हम तो आशीष से बात कर रहे थे जो जिनके द्वारा ये बनाया गया और बहुत खूबसूरत निकल कर आया। बिल्कुल, जो देशवासियों को इन्होंने दिया है, कहीं ना कहीं ये राम भक्त जितने भी यहाँ पर आए हैं ये इस बात को जरूर मानेंगे कि प्रभु श्री राम का जहाँ से रास्ता शुरू होता है और प्रभु श्री राम को जो भव्य दिव्य मंदिर तैयार हुआ है वो अपने आप में इस बीच अनुष्ठानों के बारे में भी थोड़ी जानकारी हम देते हैं। आज क्या खास रहा है अनुष्ठानों में, आपको बता दें कि आज क्योंकि नए घर में जब भी हम गृह प्रवेश करते हैं तो हम उसे पवित्र करने के लिए, उसे की शुद्धता के लिए उसे जरूर बात करते हैं, तो ऐसे में आज शुद्धता के लिए सरयू जल से और 81 कलशों में देश दुनिया से जहां से जल लाया गया है, उसके बाद गर्भगृह को पवित्र किया गया है, इसके अलावा वास्तु पूजन किया गया है। वास्तु शास्त्र में वास्तु पूजन का एक अलग महत्व होता है, ये लगातार पूरे विधि विधान के साथ आज गर्भगृह में इस तरीके के अनुष्ठान किए गए हैं। लगातार महानुष्ठानों का दौर जारी है, पूजा विधि जारी है और यहाँ देखिए राम भक्तों का जोश देखिए कम होने का नहीं है। मैं अयोध्या वासी हूँ, मैं अयोध्या में रहता हूँ। अयोध्या कैसा लग रहा है? अयोध्या वैकुंठ धाम लग रहा है, स्वर्ग धाम लग रहा है। मैम मैं अयोध्या से हूँ, जिस प्रकार से करोड़ों वर्षों का उससे सनातन धर्म के लोगों का इंतजार था आज वो घड़ी खत्म हुई और 22 जनवरी को भव्य। मैं अमृतसर से आया हूँ, बहुत खुशी मंदिर भगवान का घर आया, बहुत खुशी। इंदौर से मध्य, बहुत दूर आए, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान राम को देखिए अलौकिक नजारा है। यहाँ पर तो लोगों का उत्साह जोश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सपना आप अलौकिक तस्वीरें दिखा रहे हैं राम मंदिर की, फूलों से सजाया गया है राम मंदिर को, और क्या कुछ दिखाएंगे आप? बिल्कुल, हम तो दिखा ही रहे हैं तस्वीरें, बता ही रहे हैं, आशीष जी को आपने सुना ही, लेकिन अब हम सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन के पास में, जिनके साथ में बहुत बड़ी गायिका मैथिली ठाकुर हैं जो राम को बड़े अच्छे अच्छे गीत और सोहर सुनाती रही हैं। चलिए आनंद का रुख करते हैं। मैथिली नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैथिली, आप तो अभी पटना में हैं, आपको तो यहाँ अयोध्या धाम में होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा मानस पाठ आज अगर किसी का प्रचलित है तो वो आपका और आपके भाइयों का है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वही है कि राम भजन ही बैठ के गा रहे हैं, चाहे हम अयोध्या में हो चाहे मिथिला में हो। हाँ, ये मिथिला का कनेक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना, आप ही हमारे दर्शकों को बताइए कि मिथिला का अयोध्या से क्या कनेक्शन है? आप लोगों के लिए तो भगवान राम अभी आ रहे हैं अयोध्या में, हमारे मिथिलांचल वासियों के लिए तो भगवान राम यहीं के हैं,
हमने पावन बना के उनको रख लिया है, यहीं पे रहते हैं वो, हमारे सभी के हृदय में रहते हैं। और सीता जी के नाते से इतना इतना बड़ा भाग्य है हम लोगों का कि हम पूरे देश में भले ही भगवान राम को आराध्य और भगवान राम को बहुत उनका नाम बड़ा संभल के लिया जाता हो, लेकिन हमारे यहाँ हमारे मिथिलांचल में भगवान राम को बहुत गाली भी दी जाती है और बहुत स्नेह किया जाता है और एक पाहुन की तरह उनको ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा भाग्य है कि हम मिथिलांचल के रहने वाले हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूं, मैथिली में कोई गाना है, गीत है जो आप हमें सुना सकते हैं रामलला पर, राम पर? जी जी जी, बहुत सारे गीत है। जी जी जी, एक गीत है, पहले ही मैं आपको उसका थोड़ा सार समझा दूं कि जब भगवान राम हमारे यहाँ आते हैं तो उनको पहले जी भर के निहारती है मिथिलानियाँ, क्योंकि सब बस उनके बारे में सुने हुए होते हैं कि भगवान राम जो हैं वो अयोध्या के हैं, राजकुमार हैं, बड़े कोमल हैं, बहुत सुंदर हैं। लेकिन वो जब पहली बार मिथिला में आते हैं तो सब अपनी आँखें कोई बंद ही नहीं कर पाता, एक पलक झपक भी नहीं पाती है कि भगवान राम को जितना हमारे अंदर क्षमता है उतना हम उनको निहारें। तो इसीलिए एक बहुत सुंदर सा गीत है कि सखियां उनके लिए क्या गाती है। पाहुन धनु ही या वाले पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनु ही या वाले पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनु ही या वाले पड़े आज सखियन के पाले। ऊपर से तो बड़े भोल भाले, ऊपर से तो बड़े भोल भाले, पर भीतर से और भीतर से नखरे निराले, पड़े आज सखियन के पाले। पाहुन धनु ही या वाले पड़े आज सखियन के पाले। नारायण जो कहे सो मानो, नारायण जो कहे सो मानो, क्योंकि तुम जी जा हम साले, पड़े आज सखियन के पाले। पाहुन धनु ही या वाले पड़े आज सखियन के पाले। क्या बात है, कितनी सुंदर बोल है इसके और भाव कितना अच्छा है। तो जैसे कृष्ण के लिए ऐसे गीत होते थे, नटखट थे कृष्ण, वैसे ही कुछ गीत आप कह रहे हैं कि मिथिला में और मिथिलांचल में रामलला के लिए भी हैं, राम के लिए भी हैं। जी जी, क्योंकि हमको ऐसा हमने जितनी कथाएं सुनी है अपने बाबा से या फिर जितने गीत सुने हैं जो हमारे बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है, उसमें भगवान राम का ऐसा ही चरित्र हमको सुनने को मिलता है कि वो मिथिला में आकर के वो भी बड़े लजकोटर और बहुत ही उनके भी बड़े नखरे होते थे मिथिलानियों के आगे। तो ऐसे गीतों में वो भाव स्पष्ट दिखता है हमको। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैथिली कि अगर आप मुझे रामचरित मानस का कुछ सुना दें, क्योंकि आप मानस पाठ भी करती हैं, तो उसमें से कुछ सुना दें। जी, क्योंकि वो बहुत ही लंबा, बहुत सारे चौपाई, बहुत सारे दोहे हैं जो हम लोग को पाठ में जब गाते हैं और बहुत क्रम से उसको गाना चाहिए, तो मैं बस आपको एक बहुत ही जो फेमस चौपाई है वो दो लाइन सुना देती हूँ। जी जी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी।